हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी पनीरू व्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। आज कोई व्लॉग नहीं है, आज है नई वीडियो जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, आप लोगों के काफ़ी काम आने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोमो की चटनी बनाना है। तो मोमो की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं हरे है हमने यहाँ पर टमाटर ले लिए हैं, वो भी लाल लाल। तो टमाटर हमने धो के रख लिए हैं एक साइड में, और साथ में हमने ले लिया है लाल मिर्च, और साथ में थोड़ा सा हमने ले लिया है अदरक और कुछ लहसुन की कलियां ले ली है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे पानी को बॉईल। पानी को बॉईल करने के लिए हमने यहाँ पे गैस वो ऑन कर दी है, और हमने एक पैन पर यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो पानी में एक उबाल आएगा, हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर के साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे लाल मिर्च भी डालेंगे, और यहाँ पर लगा देंगे हम ढक्कन। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ढक्कन, और उसके बाद हमारे यहाँ पे टमाटर हमारे यहाँ पे बॉईल हो चुके हैं। तो हम इस टमाटर में जो हमारी बाहर की लेयर होती है इसे एक प्लेट में निकालेंगे पहले टमाटर को, और उसके बाद जो हमारी लेयर ये निकल जाती है इस लेयर को हम पूरा अच्छी तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकाल ले हैं टमाटर की लेयर, उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में हम इसे पीस लेंगे। तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और लाल मिर्च, अदरक थोड़ा सा, एक अदरक का टुकड़ा, और साथ में लहसुन और थोड़ा सा जीरा। और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि टमाटर वैसे ही इतना वो होता है। तो और हल्का सा जीरा भी डालेंगे। तो यहाँ पे हम इसे इस जार में पीस लेंगे। तो चटनी हमारी बन के यहाँ पर हो जाएगी तैयार। तो यहाँ पे हमारी चटनी बनके हो चुकी है एकदम रेडी, और अब हम करते हैं मोमो बनाने की तैयारी। तो मोमो बनाने के लिए हम यहाँ पे मोमो की स्टफिंग बनाने के लिए ले लेंगे जो भी आप ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो सब्जी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है गाजर, टमाटर, गाजर और हरा धनिया और गोभी, शिमला मिर्च, प्याज। तो हम इन सबको हम काट लेंगे एकदम बारीक बारीक। तो आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं, कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो कद्दूकस करने से उतना अच्छा स्वाद नहीं आता है जितना इसे काटने से आता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे काट के ही बनाइए, क्योंकि काट के बनाने से काफ़ी अच्छा स्वाद आता है, और इसके विटामिन प्रोटीन जो भी होते हैं वो वेस्ट नहीं होते हैं। वरना अगर हम इसे कद्दूकस करते हैं तो उसमें ये सब वैसे ही चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसे कर लेंगे बारीक बारीक कट। तो यहाँ पर इसे बारीक बारीक हम सभी सब्जियों को काट लेंगे। Thank you.
हाँ।